महाराजपुर में जब से डॉक्टर आलोक चौरसिया 15 दिनों की ट्रेनिंग पर गए हैं और उमराव सिंह को स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी बनाया, तब से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कोरोना वैक्सीन का आज दूसरा दिन है। शासन ने वैक्सीन का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का निर्धारित किया। आज 1 बजे तक 13 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत यह है कि जिम्मेदार अधिकारी 12 बजे तक आते हैं, 10 बजे तक सभी ऑफिस में ताला लटका मिलता है। फोकल पॉइंट प्रभारी लखन सोनी का मुख्यालय पर निवास नहीं है और न ही इनकी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को मिल पाती हैं। जननी 108 के लिए भी डिलीवरी पेशेंट इंतजार करने के बाद भी उनको सेवाएं नहीं मिलती। जब जननी ड्राइवर से बात की गई तो उसका सिर्फ एक ही कहना था कि छतरपुर में पेशेंट के लिए जननी एक्सप्रेस चलती है। इसके बाद कई सवालों का जवाब देने में ड्राइवर असमर्थ रहा। क्या चलाते हैं आप? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जननी। कहाँ इसका पॉइंट है? पॉइंट ये है जी। कहाँ के पॉइंट के लिए? महाराजपुर जी। 3-4 दिनों से यहाँ पे बिल्कुल मिल ही नहीं रही है जी। कहाँ पर इसकी अच्छा, सेवा प्रदान कर रहे हैं आप बता रहे हैं? अगर समझ लो हमको केस मिला डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, तो हम तो चले जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी खड़े रहेंगे। तो पॉइंट तो महाराजपुर के लिए, जो महाराजपुर का, जो महाराजपुर के लिए जो आएंगे वो उनका क्या होगा? जो महाराजपुर में आएगा जो केस, उनके लिए क्या होगा? जैसे छतरपुर आपने पहुँचा दिया, जो महाराजपुर आएगा वो क्या करेगा? अब हम बिजी हैं तो हम क्या कर सकते? कौन बोलता आपसे छतरपुर के लिए? क्या नाम है उनका? अब वो लोग नाम थोड़ी बताते हैं। तो किसने आपसे कुछ, कोई आदेश तो करता होगा ना आपको? उनका नाम क्या है? कोई आपका जिलाधिकारी करता आपको फोर्स? जिलाधिकारी कौन कहता आपको छतरपुर का? आप से कॉल मिलती है हमको। छतरपुर में कौन ड्यूटी लगाता आपको? हम प्राइवेट हैं, ड्यूटी मतलब महाराजपुर पॉइंट है जननी का, तो यहाँ के लिए सेवाएं दी गई हैं शासन द्वारा। बात कर रहा हूँ ना, आप इसको हटाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना। क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, आप जवाब नहीं देंगे मेरे सवालों का? नहीं तो आप एक बात बताइए, आप आके पूछ रहे हैं दिन भर कहाँ थे आप, हम केस में थे। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, महाराजपुर के लिए यह सेवा प्रदान की गई है, तो यहाँ के जो पेशेंट आते हैं वो परेशान रहते हैं। बात सही। छतरपुर में आप कौन लगाता है आपको? छतरपुर पेशेंट उठाने के लिए कौन आपको कॉल करता है? 108 से कॉल मिलती है। आप एक काम करो, 108 में कॉल करके पूछ लो कि इनको यहाँ से कहीं ना जाने दिया जाए।